हंडर ट्विंस 2021 को डिसलाइक या लाइक कर दें कहानी की शुरुआत में हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रेस पादरी थे वो एक आइलैंड के पहाड़ पर बैठे प्रेयर इबादत कर रहे होते हैं मगर अचानक से उनके ऊपर आसमान से आग गिरने लगी थी जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए थे वो आग आसमान पर भी गोल गोल चक्कर में घूम रही होती है इसके बाद वो आग एक और आदमी पर जाकर गिरी थी जो की जाओ खानदान का राजा था उस आग को गिरते एक और अजीब सफेद बालों वाले आदमी ने भी देखा था जो कि शहन डायनेस्टी यानी कि शहन खानदान का लीडर था वो एक टॉवर पर खड़ा था जिसको स्टार टॉवर के नाम से भी जाना जाता था यहाँ पर प्रीस्ट राजा और लीडर इस बात को जान गए थे कि ऐसी आसमान से आग का गिरना इस बात की निशानी है कि एक नया जनरल पैदा होने वाला है जो कि हम पर हुकूमत करेगा जिसके आने से सब कुछ बदल जाएगा और अभी इस वक्त शहन खानदान की हर तरफ हुकूमत थी मगर लीडर जान चुका था कि बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म होने वाला है जबकि जाओ खानदान के राजा की हुकूमत दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही थी और इस बात को भी कहा जाता था कि नया जनरल जाओ खानदान में पैदा होगा अब जो शैन का लीडर था वो अपने सिपाहियों को ये हुक्म देता है कि जाकर वो जाओ खानदान और उसके राजा को खत्म कर दे क्यूँकी वो नहीं चाहता था शैन खानदान की हुकूमत कभी खत्म हो और कोई नया जनरल उन पर हुकूमत करे अब शैन खानदान के सिपाही जाकर सभी पर हमला कर देते हैं उन्होंने सबको मार दिया था शैन का लीडर हमेशा यही चाहता था कि हर तरफ उसकी हुकूमत हो हम की वजह से सभी लोग मारे गए थे उनके घर तक तबाह हो चुके थे इस दौरान बस जो उस शहर का लीडर था उसके जुड़वा बेटे ही जिंदा बचे थे लीडर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था वो इस बात को जानता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता इसीलिए उसने अपने उड़ने की ताकत को अपने जुड़वा बेटों में से एक को दे दी थी यहाँ पर शैन खानदान का लीडर भी पहुँच गया था और आकर उस लीडर को मार देता है उसका इरादा उस लीडर के जुड़वा बच्चों को भी मारने का था क्योंकि वो जानता था कि इन्हीं में से एक नया जनरल बनेगा मगर तभी यहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखे थे और शैन के लीडर को ऐसा करने से रोकते हैं उनके दरमियान में लड़ाई हो गई थी वो दोनों लड़ते लड़ते एक अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं इस लड़ाई में शैन का लीडर काफी जख्मी हो चुका था जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है उधर दूसरी तरफ हम जाऊ खानदान के राजा को देखते हैं जो उन जुड़वा बच्चों के पास आ गए थे जब वो आकर देखते हैं तो उनका सारा शहर तबाह हो चुका था उधर प्रीस्ट भी आ गए थे प्रीस्ट राजा से कहते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जो इन दोनों बच्चों की देखभाल करो क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन इन दोनों बच्चों में से ही कोई एक जनरल बनने वाला है जिसकी हर जगह पर हुकूमत होगी वहाँ पर प्रीस्ट ने दोनों बच्चों के नाम भी रख दिए थे जिनमें से एक का नाम लीजेन और दूसरे का नाम हुआ था इसके बाद सीन बदलता है और हमें अठारह साल बाद का वक्त दिखाया जाता है हम लीजेन को देखते हैं जो बड़ा हो गया था और अपने घर के छत पर खड़ा नकली पंख लगा कर उड़ने की कोशिश कर रहा था उसे सब देख कर परेशान थे और उसका मजाक भी बना रहे थे क्योंकि लीजेन अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता था वो उन सब को से जवाब देता है और ये कहता है कि एक दिन मैं जरूर उड़ूंगा और जमीन पर आकर गिर जाता है इसके बाद हम हुआन को देखते हैं जो लेजन की तरह ही बड़ा हो चुका था वो अपने डैड राजा के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था और ये जाओ खानदान के वही राजा थे जो बचपन में इन्हें अपने साथ लेकर आए थे राजा के साथ एक बहुत ही प्यारी लड़की बैठी थी जो उनके स्टूडेंट थी उसका नाम शिंग होता है राजा यहाँ पर अब दोनों भाइयों को प्रीस्ट के मिशन के बारे में बताते हैं के प्रीस्ट चाहते है की तुम्हें जाकर जनरल की गोल्डन स्टिक को लाना होगा जिसके बाद ही तुम्हें जनरल बनाया जाएगा और वो स्टिक सिर्फ वही उठा सकता है जो असल जनरल होगा जो कि राजा की नजरों के सामने हुआन था ये सुनकर लीजन कहता है मैं भी अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ और वो लड़की शिंग भी जो राजा की स्टूडेंट थी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है पहले तो राजा इनको रोकते हैं पर बाद में तीनों को जाने की इजाज़त दी थी जाते हुए रास्ते में लीजन अपनी बातों से सबको मजे करवा रहा था जबकि हुआन बिल्कुल खामोश था वो हमेशा ऐसे ही रहा करता था अब वो एक पुराने कब्रिस्तान में आ गई थी अब जब वो आगे जाने लगते हैं तो अचानक से उनके आगे एक दीवार आ गई थी उस दीवार को देखकर कर लीजन मजाक में ये कहता है की इस दीवार को तो मैं एक मुक्का मारकर ही तोड़ सकता हूँ जब वो ऐसा करता है तो सच में दीवार टूट गयी थी जिसे उसका भाई और शिंग देख हैरान हो जाते हैं जैसे ही वो दीवार गिरती है उसके पीछे एक स्टेचू एक मूर्ति थी जिसके हाथ में वही गोल्डन स्टिक थी जिसको ये यहाँ पर लेने आई थी अब उसको लेने हुआन आगे बढ़ता है क्योंकि राजा ने उसे बताया था कि वही असल जनरल है पर जब वो स्टिक को उठाने जाता है उससे वो स्टिक नहीं उठाई जाती अब उसे उठाने लीजिंग आगे बढ़ता है जब वो स्टिक को पकड़ता है तो वो तो उसके हाथों से चिपक गयी थी वो उसको उठा कर जमीन पर मारता है तो जमीन से रोशनी बाहर आई थी और वो रोशनी सीधा आसमान तक जा रही थी ये देख कर लेजेंग का भाई और शिंग काफी हैरान होते हैं उधर दूसरी तरफ हम शैन का लीडर दिखाया जाता है जो बैठा कोई जादू कर रहा था अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। उसे पता चल गया था कि जो असल जनरल है वो गोल्डन स्टिक तक पहुंच चुका है महल में जब राजा और प्रीस्ट साथ होते हैं तो उधर लीजेंग हाथ में गोल्डन स्टिक लेकर आ रहा था जिसे देख कर दोनों हैरान हो गए थे क्योंकि ये दोनों तो समझते थे कि असल जनरल हुआन है अब ये दोनों इस बात को जानने के बाद हुआन को जंगल में ले जाते हैं ये दोनों हुआन को मारना चाहते थे दरअसल जो हमने कहानी के शुरू में देखा था लीडर यानी की की असल डैड ने अपने विंग्स की थंडर पावर हुआन के अंदर डाल दी थी मगर वो जानते थे कि उनके बेटों में हुआन नहीं बल्कि लीजेन असल जनरल है ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि लीजेन के बारे में कभी किसी को कुछ पता न चले कि वो असल जनरल बनेगा वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता था अब प्रीस्ट हुआन को बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने जो तुम्हें अपनी ताकतें दी थी हम चाहते हैं कि वो सारी ताकतें लीजेन को मिल जाए क्योंकि वो ही जनरल है और ऐसा तभी मुमकिन है जब हम तुम्हें मार देंगे लेकिन तभी वहाँ पर शैन का लीडर पहुंच चुका था जो कभी भी अपनी हुकूमत खत्म होने नहीं देना चाहता था वो राजा और प्रीस्ट पर हमला करता है और वहाँ से हुआन को अपने साथ ले गया था वो उसे उस जगह पर ले आया था जहाँ पर हुआन और लिजन पैदा हुए थे यानी कि वही जगह जिसको इसी शैन के लीडर ने अपने सिपाहियों के साथ तबाह करवाया था यहाँ पर वो हुआन की यादाश्त को उस वक्त में ले जाता है जब वो पैदा हुआ था और शादियों ऐसी ये भी बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे सोतेरे डैड जाओ खानदान के राजा ने मारा था और ऐसा उसने इसलिए किया क्यूँकी वो जानता था की तुम दोनों भाइयों में ऐसी एक जनरल होगा ये सुनकर तो हुआन बिल्कुल टूट चुका था की जिस राजा को अब तक उसने डैड की तरह समझा उसने उनके असल मॉम डैड को मार दिया शैन का लीडर अपनी जाल कामयाब हो चुका था अब वो हुआन से कहता है कि जो ताकतें तुम्हें तुम्हारे डैड ने दी थी उन्हें बाहर लाने की कोशिश करो तभी तुम जाओ खानदान के राजा ऐसी बदला ले सकते हो ये सब जानने के बाद वन भी अब बदला लेने के लिए तैयार था उधर लीजन प्रीस्ट से कहता है कि आपको मुझे लड़ना सिखाना होगा ताकि मैं अपने भाई को जाकर बचा सकूं। दूसरी तरफ शैन का लीडर वुन को ऐसी जगह पर बिठा देता है जहां पर बैठकर उसकी वो ताकतें वापस आ सकती थी जो उसके डैड ने दी थी उधर लीजन भी हवा में उड़ता प्रीस्ट के साथ उनकी आईलैंड आरोप जा रहा था उसके साथ शिंग भी थी उसके जाने का मकसद था ताकि वो प्रीस्ट से लड़ने की ट्रेनिंग ले सके वो आकर अब अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है जब वो सब कुछ सीख रहा था इसी दौरान उसे खबर मिलती है कि उसके डैड यानी के जाओ खानदान के राजा को हुआन ने अगवा कर लिया है क्योंकि वो अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता था अब लिजन अपने डैड को बचाना चाहता था मगर प्रीस्ट उसे जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम ठीक तरह से नहीं सीखे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है मगर लिजन किसी भी तरह अपने डैड को बचाना चाहता था अब खैर प्रीस्ट मान जाते हैं और उसे जाने की इजाज़त भी दी थी चाहते हुए प्रीस्ट उसे एक गोल्डन ड्रैगन फ्रूट भी देते हैं जो उसके अंदर ताकत को बढ़ाने में मदद देगा वो कहते हैं कि अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो तुम इस फल को खा लेना उधर दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जिसको हुआन मार रहा था जब वो राजा को अपने हथियार से मारने ही वाला था तो वहाँ पर लीज जाना चाहता है और अपनी गोल्डन स्टिक से हुआन को दूर करता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हारे पास जो हमारे डैड की दी हुई ताकतें हैं उसे तुम्हें मुझे देना होगा मगर हुआन जो कि कुछ भी नहीं समझना चाहता था क्योंकि वो शैन के लीडर के कंट्रोल में था यहाँ पर इन दोनों भाइयों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई थी वुन लीजन को मारने वाला था मगर रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर अपने सगे भाई को मारने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इसीलिए वो वहाँ से चला गया था अब वुवान स्टार टावर पर जाकर शैन के लीडर को बताता है कि वो लीजन को मारने में नाकाम रहा इस बात पर उस लीडर को बहुत गुस्सा आ गया था वो हुआन को वापस से दोबारा उसी जगह पर जाने का कहता है क्योंकि वो जानता था उस जगह दोबारा जाकर हुआन की पावर्स एक्टिवेट हो सकती है तरफ लिजेन और शिंग को भी देखते हैं, जो स्टार टावर के अंदर आने में कामयाब हो गए थे मगर उन्हें आने में देर हो जाती है क्योंकि हुआन अपनी बुराइयों की वजह से अब डीमन में बदल चुका था जब लीजेन अंदर आता है तो दोनों में आते ही लड़ाई शुरू हो गई थी तभी लड़ते हुए हुआन के अंदर जो पावर्स थी वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके अंदर जो उड़ने की ताकतें थी वो वापस आ जाती हैं। हुआन वहाँ पर शिंग पर हमला करता है जो अब तक लीजेन का साथ दे रही थी मगर लीजेन आकर उसे बचा लेता है और वो हथियार लीजेन को लग गया था हुआन ने लीजेन को पकड़ लिया था शिंग जाकर सारी बातें राजा और प्रीस्ट को बताती है इसलिए वो लीजन को बचाने पोर्टल के रास्ते से स्टार टावर में पहुंच गए थे उधर दूसरी तरफ हुआन को पता चल चुका था कि शैन का लीडर उसे धोखा दे रहा है क्योंकि शैन का लीडर अब हुआन की ताकतों को अपने अंदर हासिल करना चाहता था शैन का लीडर जब ये सब कुछ कर रहा था तभी हुआन को एक सपना आता है वो देखता है की उसकी फैमिली और सभी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शैन का लीडर था तभी वहाँ पर उसके पास राजा और प्रीस्ट लीजेंट भी पहुंच गए थे उन्होंने आकर हुआन को बचा लिया था मगर उन्हें देर हो गई थी क्योंकि शैन के लीडर ने हुआन की आधी ताकतों को ले लिया था ये सभी अब जल्दी से बाहर जाते हैं जहां पर शैन लीडर के सिपाही इनका रास्ता रोक रहे थे एक सिपाही जब लीसेंट को मारने वाला था तो उसके आगे शिंग आ जाती है और खुद अपनी जान दे देती है लीसेंट जब ये देखता है तो गुस्से में तो गुस्से में अब वो अपनी गोल्डन स्टिक निकालता है जिससे उसने सभी सिपाहियों को मार दिया था उधर शैन के लीडर के पास आसमान तबाह करने की ताकत आ चुकी थी वो आहिस्ता आहिस्ता उस तूफान को आसमान की तरफ बढ़ा रहा था प्लीज जब ये देखते हैं तो लीजेंग और हुआन को ये सब रोकने का कहते हैं अब हुआन लीजेंग का हाथ पकड़कर आसमान की तरफ लेकर जाता है क्योंकि उसके अंदर उड़ने की ताकत आ चुकी थी अब आसमान पर जाने के बाद उसने अपनी सारी ताकतों को लीजेंग को दे दिया था सब कुछ खोने के बाद हुआन नीचे गिर जाता है और उस तूफान से टकरा गया था जो आसमान की तरफ बढ़ रहा था इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है ये देख कर लीजे जेंग बहुत दुखी होता है उसे गुस्सा आ गया था वो यहाँ पर अपना ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल करता है जो कि उसे प्रेस ने दिया था उस फल को खाते ही वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है उसने उस तूफान को रोक दिया था और राजा जान चुके थे कि एक नया और अच्छा जनरल वापिस आ गया है जिससे चाइना अब दोबारा पुरमन बनने वाला था क्योंकि शैन के लीडर और उसकी हुकूमत अब खत्म हो चुकी थी ली जेंग ने इस लड़ाई में अपने भाई और शिंग को तो खो दिया था मगर अब वो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था उसने बुराइयों को खत्म कर दिया था और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है